तो हेलो दोस्तों, आज दिन की शुरुआत भी हो चुकी है और सुबह का हो रहा है, अभी 9:30 हो रहा है टाइम। और मैं जा रहा हूँ आज चमियाला मार्केट की ओर। तो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, और मैं हूँ आपका छोटा भाई त्रिलोक रावत, और मैं जा रहा हूँ आज चमियाला मार्केट की ओर किसी जरूर। और इसी सफ़र के साथ आगे बढ़ते हुए हम लोग अभी गले खेत की ओर पहुँच चुके हैं। तो दोस्तों, चलो आगे 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 क्या होता है, क्या नज़ारे आते हैं, आप लोगों के साथ शेयर करते रहेंगे। तो अभी हम लोग हाल फिल गले खेत में पहुंच चुके हैं, और सुबह सुबह का मौसम है, ठंड भी कड़ाके की है, बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है। और अभी आगे की ओर इस सुंदर से सफ़र में हम लोग आगे बढ़ते हुए अभी मछखेत की ओर पहुंच चुके हैं, और इसके बाद जो आगे एक गांव आने वाला है वो आपकी गांव आएगा, तो वहां पर भी आपको मैं दिखाऊंगा। और रास्ते में हमें फिर आगे चलते चलते आपकी गांव भी पड़ता है। तो ये यहाँ पे आपकी गांव है, यहाँ पे लॉज बन रखे हैं। जब आप कभी यात्रा सीजन पे कभी आप केदारनाथ बद्रीनाथ जाते हैं तो यही रूट है, यहीं से आना जाना होता है। तो यहाँ पर लॉज की भी उचित व्यवस्था है, खाने पीने की सारी व्यवस्था है यहाँ पर। ये आपकी गाँव है यहाँ पर, और इससे आगे जाके हमें फिर केमुंडा खार पड़ता है। तो चलो वहाँ पर मिलते हैं। अभी हम चलते चलते आगे डुमकी धार की ओर पहुंच चुके हैं, जो कि आपकी से थोड़ा ही दूरी पे है। और यहाँ से हो जाता है फिर केमुंडा खाल के लिए स्टार्ट, और केमुंडा खाल के लिए बीचों बीच से सड़क जो गुजर रखी है उसके चारों तरफ से ऊपर नीचे से पांच बुरांस देवदार के सुंदर सुंदर पेड़ों का नज़ारा आपको देखने को मिल रहा होगा। और आगे आगे जाके इसमें बहुत अच्छे सुंदर सा पेड़ों की छाव है, पूरी सड़क में अंधेरा छाया होता है जब बांज ब्रांच के इतने सुंदर सुंदर पेड़ है जो कि आप लोगों को दिख रहे होंगे। और ऊपर नीचे से इतने बढ़िया से पेड़ पौधे हैं इसमें, और सड़क भी यहाँ पर शानदार बना रखी है। तो अभी हम लोग केमुंडा खाल पहुँचने वाले हैं। तो ये यहाँ पर केमुंडा खाल है, जहाँ पर आगे जाके मैं आपको दिखाता हूँ। तो
तब तक आप बने रहिए वीडियो में। तो फाइनली हम केवड़ा खाल के ऊपर पहुंच चुके हैं, तो चलो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा रोक के दिखाता हूँ। और ये जो आपको मेरे पीछे दिख रहा होगा, अभी मैं उल्टी साइड खड़ा हो रखा हूँ, तो मैं आपको दिखाता हूँ अभी मेरे पीछे की ओर यहाँ पर दो भव्य मंदिर है जिनको मैं आपको दिखाता हूँ अभी। एक तो माता राजराजेश्वरी का मंदिर है यहाँ पर, और दूसरा जो मंदिर है वो दैत्य राजा का मंदिर है, जिसको कि मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। और यहाँ से चलो बढ़ते हैं आगे की जो ओर। मुख्य द्वार है चलते चलते वो यहाँ पर लग रखा है, जो कि चम्याला घनसाली जो राजमार्ग है, ये मेरे पीछे सा नज़ारा नीचे की ओर दिख रहा है। तो चलो अभी आपको और मंदिर के दर्शन करवाता हूँ। अभी तो ये यहाँ पे माता राजराजेश्वरी नज़ारे दिखते हैं नीचे की ओर। ये लाटा का जो फूल है इधर पे, यहाँ नागेश्वर सौर यहाँ पे दैत्य राजा आ रहा है सामने को मंदिर है। तो यहाँ से भी ये आगे यहाँ पे एक अभी छोटा सा ढाबा है, यहाँ पर नीचे की ओर जाती है। ये जो मेरे पीछे आप देख रहे होंगे नागेश्वर सौर है, और जिसको गुड़ी स्कूल बोलते हैं वही है यहाँ पे, इंटर कॉलेज है यहाँ पर जो मेरे पीछे आपको देखने को मिल रहा होगा। और अभी हमने यहाँ से काफ़ी आगे जाना है, इसी रूट से जाना है नीचे की ओर। तो यहाँ से भी मेरे हिसाब से चम्याला काफ़ी दूरी पे है, 10 किलोमीटर तो कहीं नहीं गया, इतना दूर तो हो गई। और ये यहाँ पर एक प्राणी मेरे साथ आया है जिसको कि दांत लगवाने हैं। तो रास्ते में 5-7 बार उल्टी करने के बाद अभी हम यहाँ तक पहुँचे हैं, और यहाँ से भी अभी रास्ते में पता नहीं कितनी जगह पे रुकना पड़ेगा। ऐसे रुकते रुकते आ रहे हैं, जगह जगह पे उल्टी हो रही है, तो क्या करें। तो अभी हम सफ़र का आनंद लेते हुए लाटा पुल की ओर अग्रसर हो रहे हैं, और थोड़ा दूरी पर ही शायद मुझे लगता है कि लाटा पुल आने वाला है। तो लाटा पुल से आगे जाके एक रूट ऊपर को कटता है जो कि बूढ़ा केदार को जाता है, और एक रूट चम्याला को जाता है। और लाटा पुल से भी एक रोड ऊपर को जाती है, जो सुनने में आया है कि शॉप के लिए जाती है, वो पुल के पहले से ही कटती है यहीं पे। जब आप जाओगे तो शॉप और सीताकोट की जो रोड है ये यहाँ से ऊपर को कटती है, और ये पुल के ऊपर से चम्याला के ऊपर निकल गई है रोड। और यहाँ पर भी आगे जाके, यहाँ से आगे जाने के बाद भी एक रोड ऊपर को जाता है, एक सीधे जाता है। और चलते चलते हम सफ़र में आगे चम्याला मार्केट की ओर पहुँच चुके हैं, और अभी हमने थोड़ा और आगे जाना है। आपको यहाँ का अच्छे से पता है, चम्याला में बहुत ज़्यादा जाम होता है, तो यहाँ से निकलना बड़ा मुश्किल होता है। तो चलो आज खैर इतना जाम नहीं है, तो हम लोग ऑलमोस्ट पहुँच चुके हैं, जाम भी इतना नहीं लगा है, तो टाइम पे हम लोग पहुँच चुके हैं यहाँ पर। तो बढ़िया, आज थोड़ा खाली खाली रूट मिला, नहीं तो बाकी टाइम पे अगर आप यहाँ पर आओगे, खासकर सीज़न के टाइम पे तो बुरे हाल है यहाँ पर। तो अभी भी लगभग सीज़न ही पकड़ के चलो, एक शादी का सीज़न है, तो शादियों में भी यहाँ पर बराबर बिजी होता है। तो आजकल शादी नहीं है, तो इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर खाली देखने को मिल रहा है। तो अभी हम चलते हैं आगे, हमें यहाँ पर एक डॉक्टर की ढूंढ में आए हैं, यहाँ पर दांत लगवाने हैं। तो चलो हम फाइनली हम पहुँच गए हैं, और ट्रीटमेंट भी शुरू हो चुका है। तो यहाँ पर अभी दांतों में घिसाई चल रही है, जो कि शायद अभी आज घिसाई घिसाई होगी, और अभी हमने यहाँ पर जो फिक्सिंग है वो शायद आज नाप ही नाप देना है। तो अभी सफाई चल रही है दांतों की, तो उसके बाद अभी इनका कहना है कि अभी आज फिर से नाप देना है। एक दिन हम पहले आए थे तब भी नाप दिया है, और आज भी सफाई कर रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। उसके बाद अभी हम दोबारा किसी दिन आने को बोल रहे हैं। तो चलो दोस्तों, आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त